सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस के बारे में। तो गाइज, अगर आपका भी क्यूरीज है कि हाउ टू अनइंस्टॉल माय सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस ऑन माय डिवाइस, तो गाइज ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो गाइज, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोगों को सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस को क्यों इंस्टॉल जाता है फाइनेंस कराने के समय आपके मोबाइल फोन पर। तो गाइस, कंपनी ये एप्लीकेशंस आपके फोन को ट्रैकिंग करने के लिए डालती है, ताकि आप जब भी कोई ईएमआई को बाउंस करते हैं या आप पैसा को पेड नहीं करते हैं तो आपका वो डिवाइस को लॉक कर पाए। और गाइस, आपका ये बेनिफिट्स है कि आप लोन अमाउंट्स का डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको कितने तारीख में कितने पैसे पेड किए हैं, कब कब ऑटो डेबिट हुआ है, और आपको कोई हेल्प एंड सपोर्ट्स का जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस, आप बहुत बार देखे होंगे, अगर आपका कोई ईएमआई पेड नहीं हो पाता है या तो बाउंस कर जाता है, तो आपको एक दिन या दो दिन बाद आप देख सकते हैं कि आपका कॉल जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, आउटगोइंग कॉल्स, मैसेजिंग, या तो कोई भी एप्लीकेशंस को आप क्लिक करते हैं आपका जो है सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। तो इस कंडीशंस में गाइस, आप इससे हेल्प एंड सपोर्ट्स ले सकते हैं, आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को जो है डीएमआई फाइनेंस पर रख सकते हैं, आप वहां से जो है मेल भी कर सकते हैं और कॉल सेंटर पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और गाइज, सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट ईएमआई पेड करने में, तो आप जो है पहले से ही इन्फॉर्म कर सकते हैं मेल के थ्रू, या तो कस्टमर केयर हेल्प सपोर्ट में जो है आप अपना कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ का ईएमआई इस कारण से नहीं दे पाऊंगा, और आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाता है और उसको आपको सबमिट करना पड़ता है, और आपका ईएमआई को डेट को बढ़ाया जा सकता है इस फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस के थ्रू। तो गाइज, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है और कंपनी के लिए भी, क्योंकि आप अगर कोई ईएमआई नहीं देते हैं या आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपका फोन बेकार हो जाता है, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है और कुछ भी काम का नहीं रह जाता है। तो गाइज, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं अपना लोन को बिना कंप्लीट किए हुए। तो गाइज, सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशन को आप लोन को बिना कंप्लीट किए हुए अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो जो है आपके ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है टाइप किया हुआ रहता है सैमसंग का, और गाइज आप को चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बाईपास तरीके होते हैं जिसमें आपको फ़ोन का भी नुकसान है। तो गाइज, अगर आप जेन्युइनली तरीका से बात करें तो आपका ये सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस बिना लोन कंप्लीट किए हुए अनइंस्टॉल नहीं हो सकता है। अब गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि लोन को कंप्लीट करने के बाद अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना फ़ोन में अनइंस्टॉल करके दिखाते हैं। मेरा लोन जो है पिछले मंथ ही कंप्लीट हो गया था। ये वीडियो बनाने के लिए डीएमआई फाइनेंस को जो है सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस को जो है मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया था। तो चलिए गाइज, हम लोग अपना मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, और यहाँ पर जो है मैं सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया हूँ। और गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम जो है डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर अमाउंट डिस्प्ले कर रहा है, और परचेज मैंने कब किया था मतलब कि फाइनेंस मैंने के तारीख को कराया था और किस ईयर को कराया था, वो भी जो है यहाँ पर इंडिकेट हो रहा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन कंप्लीटेड का मैसेज है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की मैंने कब कब जो EMI को पेड किया। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्प एंड सपोर्ट्स भी है। आप अगर इस एप्लीकेशन को कंप्लीट होने के बाद भी अपना लोन को रखते हैं तो बहुत तरह का आपको बेनिफिट्स भी है, क्योंकि जब भी कोई नया लोन ऑफर्स आते हैं या कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होते हैं तो वो आपको जो है रिकमेंडेशंस में भेजते हैं यही एप्लीकेशन के थ्रू कि आप इसको जो है फाइनेंस करा सकते हैं, या तो फ्यूचर में जो है ये एक्सचेंज ऑफर को भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू ही लॉन्च करेंगे। तो गाइज, हम लोग इसको अनइंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं। जब भी ये आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको जो है अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको जो है एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशंस में जाने होंगे। एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आप यहाँ से अनइंस्टॉल में क्लिक करेंगे और आपको जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा सैमसंग फाइनेंस प्लस एप्लीकेशंस यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।